नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसी बात जो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या ये दुनिया बहुत जीने लायक है या नहीं। नहीं, नहीं। दोस्तों, एक ऐसा सच जो आपके सामने आज हम लाएंगे कि ये जो अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आपकी इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म। आपने इसको एक बार भी अपने हाथ में लगाया और ऐसे से किया तो आपके अंदर प्रेजेंट सारे डेंड्राइटिक सेल्स, मतलब आपके शहंशाह, आपके शरीर के इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएंगे। आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, फ्लू और कोरोना और सारे इन्फेक्शन, HIV भी हो जाएगा और आप मर जाओगे। इसको गलती से इस्तेमाल मत करना। इसको सबको यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर गाजियाबाद के लिए मेल कर दीजिए, मेरे पास भेज दीजिए, मैं इन सबको अस्पताल के लोगों को दे दूंगा जिनको जरूरत है। सो जोक्स अपार्ट, सॉरी अगर कुछ लोगों को ये अजीबोगरीब लगा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेट सच्चाई है ये दुनिया की कि हम कुछ भी बना सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं और कोई भी कुछ भी बोल सकता है बिना किसी लॉजिक के। आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, आई एम नॉट अगेंस्ट एवरीबॉडी, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि एक पब्लिक, जनरल पब्लिक अगर कुछ भी रिसर्च करना चाहे तो एक मेडिकल फील्ड वाले डॉक्टर, उसकी अंडरस्टैंडिंग और जनरल पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। हो सकता है आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ बोलने में आपका कोई और लक्ष्य हो, कोई और महत्व हो। अब अगर हम ये बोले कि क्या अल्कोहल, सबसे पहले क्या अल्कोहल का हैंड रब या अल्कोहल का स्प्रे हाथ में मारने से अल्कोहल आपके शरीर में चला जाता है? जी हाँ, जाता है। कितना जाता है, सवाल पैदा होता है। दूसरा सवाल पैदा होता है बात की बात कि वो अल्कोहल क्या डेंड्राइटिक सेल या किसी भी इम्यून सेल को डैमेज करेगा या नहीं। शांति से सुनिएगा, मैं समझा देता हूँ। और पहले की बात से अगर बुरा लगा हो किसी को कि भाई डॉक्टर साहब ऐसे कैसे कर रहे हो, तो भैया ऐसा है, थोड़ा मस्ती मजाक हम भी कर लेते हैं। सो मस्ती मजाक करना चाहिए और किसी को बुरा लगा तो क्षमा चाहेंगे, राइट? सो सबसे पहले वो रिसर्च निकाल लेते हैं जिसके बारे में बात हो रही थी। कैन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब सॉल्यूशंस कॉज यू टू लूज योर ड्राइविंग लाइसेंस? क्योंकि अगर आप ये मारेंगे और उसके बाद बाहर निकलेंगे और गलती से आपको पुलिस मिल गया जो आपका ब्रेथ एनालाइज करे, तो आपने दारू पी है, आपका अंदर हो जाओगे, ऐसा बोला गया था। सो उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, अल्कोहल हैंड रब सैनिटाइजर वाला जो रिसर्च अगर निकाल के उसका मात्र एक्सट्रैक्ट भी आप पढ़ लेंगे कि उसमें क्या लिखा है कि उन्होंने असेस किया, मैं इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में हम संवाद कर देंगे। दे हैव रिटन, वी असेस्ड क्यूटेनियस इथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल एब्जॉर्प्शन आफ्टर इंटेंस 30 टाइम्स पर आवर यूज ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब सॉल्यूशंस बाय हेल्थ केयर वर्कर्स। सो ऐसे लोगों में उन्होंने टेस्ट किया क्यूटेनियस अल्कोहल, मतलब चमड़ी के थ्रू इथेनॉल अल्कोहल एब्जॉर्ब हो रहा है क्या, कितना हो रहा है, उसको टेस्ट किया डॉक्टरों में, हेल्थ केयर वर्कर में, जो लोग एक घंटे में 30 बार अल्कोहल रब कर रहे हैं। क्योंकि एक पेशेंट देखा फिर अल्कोहल रब, फिर दूसरा पेशेंट देखा फिर अल्कोहल रब, फिर तीसरा देखा फिर अल्कोहल रब, ऐसे एक घंटे में 30 बार उन्होंने, जिसने अल्कोहल यूज किया उनका टेस्ट किया उन्होंने, तो ये देखा कि दो प्रकार के अल्कोहल का टेस्ट किया, एक है इथेनॉल और दूसरा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो उन्होंने देखा दैट ETOH इथेनॉल वाज डिटेक्टेबल इन देयर ब्रेथ, यानी आउट ऑफ 20 पीपल 6 पीपल हैड, 6 हेल्थ केयर वर्कर हैड इथेनॉल इन देयर ब्रेथ एट 1 and 2 minutes पोस्ट एक्सपोजर। अच्छा, मतलब कि अगर इथेनॉल नाम की आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं और वो आप 30 टाइम्स इसमें मार रहे हो, तो वो आपके चमड़ी में जाती है और फिर आपके ब्रेथ तक आ जाती है 30 टाइम्स यूज करने पे। कितने देर के लिए? 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए पोस्ट एक्सपोजर पाई गई, वो भी कितना, 0.001
0.0025% and 2 out of 20 people had it for 5 to 7 minutes post exposure. मतलब अगले 5 मिनट 5 से 7 मिनट में 4 लोगों में के ब्रेथ से वो गायब हो गई, और हो सकता है अगले 10 मिनट में बाकी के 2 लोग जो बचे हैं उनसे भी गायब हो जाए. सो यस, अल्कोहल गेट्स एब्जॉर्ब्ड पहली बात, और इट कैन कम इनटू योर ब्रेथ, बट अगर लॉजिकली देखोगे तो आप उसके थ्रू पकड़े नहीं जा सकते. मतलब अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर, विच इज इल लॉजिक, उतना टाइम तो आपकी गाड़ी चालू करके ट्रैफिक में इंडिया के निकलने को लग जाएगा, बट दैट्स अ पॉइंट. ठीक. सेकेंड, उन्होंने दूसरे प्रकार का अल्कोहल देखा, आइसोप्रोपेनॉल. आइसोप्रोपेनॉल वर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल टाइम्स, कोई भी टाइम पे रिकॉर्ड नहीं हुआ. सो बात क्या आई कि यस, अल्कोहल कैन बी क्यूटेनियसली एब्जॉर्ब. दारू पीना है ना, सिर्फ इसको मारो, मजा आ गया. वैसे स्मेल से ज्यादा एब्जॉर्ब होता है अपार्ट फ्रॉम दैट, बट ठीक, चलो कोई बात, वट एवर यू वॉन्ट टू बी, बट बेसिकली चलो ठीक है, तुमने मान लिया अल्कोहल कैन गेट एब्जॉर्ब. एंड अल्कोहल, फिर बात आई कि इट कैन डैमेज योर डेंड्राइटिक सेल. तो वो कैसे आया भाई, सर्च किया अल्कोहल एंड इम्यून सिस्टम, तो सारे गूगल सर्च में आ जाएगा कि पहले तो सर्च कर डेंड्राइटिक सेल होता क्या है, पता तो हो. देखिए, आपके इननेट और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में दो पार्ट है. इननेट वाले यानी पहले टी सेल आके सीधा मार देते हैं, न्यूट्रोफिल्स आके जो भी वायरस बैक्टीरिया उसको मार देते हैं, उसके बाद उसके जो पार्ट्स हैं पीसेज हैं उस एंटीजन बोलते हैं उसको, उसको हमें जो बी सेल्स को देना होता है, प्रेजेंट करना होता है कि भाई ये मिला है हमारे को, राइट, साइंटिस्ट को, कि भाई ये करो इसका एंटीबॉडी बनाओ. तो वो डेंड्राइटिक सेल करते हैं, दीज आर एंटीजन प्रेडेंटिंग सेल, दीज आर कॉल्ड एक्सेसरी सेल्स. एक्सेसरी सेल्स हैं आपके इम्यून सिस्टम के, मेन फंक्शन इनका है कि जो एंटीजन आया है, जो भी मटेरियल आया है, उसको प्रेजेंट करें सेल्स पे, ताकि जो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स हैं वो उसको डिटेक्ट कर सके और अडेप्टिव इम्यूनिटी कर सके, राइट. वो मैसेंजर है बिटवीन इननेट इम्यूनिटी आपके पुलिस वाले और साइंटिस्ट अडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच में, जो एंटीबॉडी बनाएंगे. चलो ठीक है. सो देखा गया है, अगर हम रिसर्च करेंगे, सो अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे तो एक्सेसिव अल्कोहल, बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने से, अल्कोहलिज्म से, जो दारू पीते हैं रेगुलरली या जिनका अल्कोहल से अगर किडनी लिवर डिजीज हो जाए, तो डेंड्राइटिक सेल फंक्शन जो है वो सप्रेस हो जाता है. सो डेंड्राइटिक सेल फंक्शन सप्रेस हो जाता है जिनको अल्कोहलिज्म हो, जो अल्कोहल इंड्यूस लिवर फेलियर हो, या फिर अगर रेगुलर अल्कोहल लेते हैं हैवी डोज में, तो हैवी डोज और वो डोज, उसके लिए अल्कोहल सेफ लिमिट वाला वीडियो देख सकते हो, अभी सब कुछ यहाँ नहीं बता सकते. अब ये बता सकते हैं, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ना सिर्फ टी सेल्स, आपके डेंड्राइटिक सेल्स, आपके मैक्रोफेजेस, सारे के सारे सेल्स सप्रेस होते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम सप्रेस होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है. कितने में? हैवी ड्रिंकिंग में. जी हाँ, हैवी ड्रिंकिंग से ऐसे होता है. एंड डेंड्राइटिक सेल, उनका क्रिटिकल रोल है आपके टी सेल फंक्शंस और आपके अडेप्टिव इम्यूनिटी, सेकेंड टाइम आने वाला जो बैक्टीरिया आपके अंदर आएगा उसके लिए, जो सेकेंड इम्यूनिटी आती है उसके लिए. सो नो दो राय कि भाई ये होता है, लेकिन ये होता है सिवियर अल्कोहल, सिवियर अल्कोहल पीने से, ज़्यादा मात्रा में पीने से, मतलब एक दिन में दो पैग से ज़्यादा पीने से, एक बार में दो पैग से ज़्यादा पीने से. और ये भाई साहब जो दो मिनट में आपके इसमें से निकल जा रहा है, ये दो पैग के आसपास तो कहीं भी नहीं पहुंच सकता, मुश्किल से भी नहीं, ना के बराबर, बल्कि इतने बार तो आप लोग कर भी रहे हो नहीं होंगे. सो द पॉइंट इज कि गलत फहमी, गलत इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है भाई. आज हम आपको सिखा रहे हैं वायरल वीडियो कैसे बनाना है, यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट लो आधी इन्फॉर्मेशन, वहाँ से थोड़ा पॉइंट लो आधी इन्फॉर्मेशन, और ऐसे जोड़ो कि आप शहनशाह बन जाओ, राइट, कि आप जो है, आपके बारे में वाह होने लगे और लोग के मन में क्वेश्चन मार्क, कि ये गवर्नमेंट जो है मास्क बेच रही है, सैनिटाइजर बेच रही है, और ये दुनिया के सब कुछ बेच रहे हैं, इनकी कंस्पिरेसी है, चाहते सब बीमार हो जाए, सब मर जाए, और सबके जो है बहुत सारे इनके जो है पैसे कमाए, पता नहीं कैसे, अस्पतालों में, ठीक है. तो द पॉइंट इज, एनीवेज, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट द पॉइंट इज टू टेल यू द ट्रूथ. सो टेल यू द ट्रूथ, अल्कोहल मॉडरेट टू माइल्ड डोज में इम्यूनिटी के लिए बेनिफिशियल भी है. जी हाँ, इसके ऊपर भी कई सारे रिसर्च है. अल्कोहल मॉडरेट टू माइल्ड डोसेज में कैन एक्चुअली, क्योंकि आप एक्चुअली जो डेथ्स होती हैं वो कई सारे लोगों की साइटोकाइन स्टॉर्म से होती है. अल्कोहल का ये इफेक्ट भी देखा गया है माइल्ड मॉडरेट डोसेज में, कि इट कैन एक्चुअली इंक्रीज योर इफेक्टिवनेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी फ्रॉम वैक्सीन, फ्रॉम अ वैक्सीन, इट कैन इंक्रीज योर, रिड्यूस योर साइटोकाइन स्टॉर्म्स.
अगर साइटोकाइन स्टॉर्म्स हो रहा है तो ऐसे लोग जो माइल्ड टू मॉडरेट अल्कोहल लेते थे उसमें कम देखा गया, तो दैट इज अ बिग कॉन्ट्रोवर्सी थे। लेकिन ये कोई तो राय नहीं है कि सिवियर अल्कोहल लोगे तो इम्यूनिटी डिप्रेस होगा, इसीलिए अल्कोहल को फिर भी बोला जाता है चलो थोड़ा बहुत ले लो, माइल्ड टू मॉडरेट, एक वाइन रोज लेने में कोई दिक्कत नहीं है ऐसा बोला जाता है। लेकिन सिगरेट के बारे में, बीड़ी के बारे में ऐसा नहीं बोला जाता, जो एक भी खराब है, एक भी लोगे तो भी खराब है, लेकिन अल्कोहल में बोला जाता है माइल्ड ले सकते हो। ऐसा क्यों बोला जाता है, उसके पीछे ये ऐसी ही हजारों रिसर्चेस हैं। सो बात ये आती है, नंबर एक आप समझदार हो, नंबर दो आप सीख गए हो कि कैसे एक आधी रिसर्च को लेके एक कंस्पिरेसी थ्योरी बनानी है, और कैसे एक क्या बोलते हैं इसको, एक वीडियो बना देना है जो वायरल हो जाए। सो आज से आप सारे के सारे ऐसे वीडियोस बनाने शुरू कर दें अपने अपने चैनल्स पे, और उसके बाद सारे के सारे लोग जो है क्वेश्चन मार्क्स में लगें, और ताकि बहुत अच्छा रहेगा, सबके सब बौखला जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर माई सार्कैज़म, आई मीन मैं क्षमा चाहूँगा अगर किसी को बुरा लगा हो। नॉर्मली हम लोग क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई ये गलत है वो गलत है, लेकिन फिर बात आती है प्रूफ की, कि सर आपके पास क्या प्रूफ है, सर वो क्या है, सर ये क्या है। ये मुझे मात्र 5 मिनट लगे हैं एक अपने तरफ से रिसर्च करने में कि ये क्या चीज़ है, और अगर कोई समझदार इंसान है तो अपने तरफ से 10 मिनट 20 मिनट लगा के भी समझ सकता है कि हर एक ऐसे कोई क्लेम में पीछे क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है। सो थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, राइट। मैं नहीं कह रहा कि हर इंसान की हर बात गलत है, किसी की कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन गलत बात को गलत बोलना तो आपका भी फर्ज बनता है। हम किसी के और किसी बात में अभी नाज नहीं बोल, गलत बात को गलत बोलना आपका फर्ज है। अगर आप वो भी नहीं बोलते, हु एम आई टू से एनीथिंग। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।